हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे सीएससी। ये आपका जो हम लोग इजीली बोलते हैं कंटेनर सेफ्टी कन्वेंशन, ये बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन आप गलत मत कीजिए। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ कंटेनर्स। ठीक है, तो बेसिकली पहला चीज़ ही हम लोग गलती करते हैं कंटेनर सेफ्टी कन्वेंशन बोल के। ठीक है, नो, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और अपना जो डाउट्स है या फिर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सब शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे या फिर क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। व्हाट एंड व्हेन एडॉप्टेड एंड बाय होम, क्या चीज़ है, कब एडॉप्ट किया गया है इसको और कौन इसका जिम्मेदारी है। ठीक है, व्हाट आर द गोल्स, ये मतलब क्या इसका जो मेन उद्देश्य है वो, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर जो आपका कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन का रिस्पॉन्सिबल बॉडी कौन है। सीएससी प्लेट क्या होता है उसका डिटेल्स। टू टाइप्स ऑफ कंटेनर इंस्पेक्शन क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है ओरल में। एंड डिटेल्स ऑफ पीईएस एंड एसीईपी, ये क्या है इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग कवर करेंगे पूरा। तो पहले चलते हैं व्हाट एंड व्हेन एडॉप्टेड। ठीक है, कब एडॉप्ट किया गया है, अभी अब मैंने बोल दिया आपको कि इसका पूरा नाम क्या है। नाउ व्हेन एडॉप्टेड एंड बाय होम। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ कंटेनर्स, दीज आर यूजली फाउंड रिवेटेड, मतलब एक वेल्डिंग या फिर जो रिवेटिंग प्रोसीजियर्स है, जो मेटल जॉइनिंग का प्रोसीजियर्स, टू वन ऑफ द कंटेनर डोर्स। दिस इज द सेफ्टी अप्रूवल प्लेट दैट कंटेन्स द मेन डिटेल्स ऑफ द कंटेनर। ईजी है, द डिटेल्स शोन ऑन अ सी एस सी प्लेट आर प्रेस्क्राइब्ड बाई द कन्वेंशन फॉर सेफ कंटेनर्स 1972। इन 1972 सी एस सी वॉज एडोप्टेड जॉइंटली बाई यूनाइटेड नेशंस एंड आईएमओ। ठीक है, मालूम चल गया आपको वेन एंड हु एडोप्टेड दिस कन्वेंशन। ठीक है, और क्या चीज है एक्चुअली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका गोल्स क्या है, क्यों क्यों इसको अडॉप्ट किया गया, इसका मेन जो प्रॉफिट्स क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो गोल बेसिकली इसका दो चीज पॉइंट में बोल सकते हैं, टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ एंड इन द ट्रांसपोर्ट एंड इन द हैंडलिंग ऑफ कंटेनर। ठीक है, और क्या हो गया, टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटेनर बाई प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म इंटरनेशनल सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप ला देंगे अगर आपका कंटेनर सीएससी कन्वेंशन को फॉलो करता है तो। ठीक है, तो अभी ये मालूम चल गया इसका गोल्स क्या है। अभी नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज हु इज रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर सीएससी, मतलब जो सीएससी प्लेट या फिर जो ये सब डालते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग किसको जिम्मेदारी मानते हैं या फिर जानना मतलब जरूरी है कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेशन सच एज क्लासिफिकेशन सोसाइटी, अभी ये क्लासिफिकेशन सोसाइटी आपको डिपेंड करेगा, चेंज वेरी करता रहेगा सब में, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग ऑफ द कंटेनर एंड प्रोवाइडिंग द डेटास। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल बॉडी पूछा गया तो पूछता है, तो आपका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेशन सच एज क्लासिफिकेशन सोसाइटी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज सीएससी प्लेट। सीएससी प्लेट एक्चुअली मैं अभी दिखाऊंगा आपको दिखता कैसा है और इसमें कैरी क्या क्या होता है, और अगर पूछा गया सीएससी प्लेट कंटेनर में क्या होता है तो आपको क्या आंसर देना है। अ वैलिड सी एस सी प्लेट दैट हैज़ द वर्ड्स सी एस सी सेफ्टी अप्रूवल स्टैम्प्ड ऑन इट बोल्ड, मतलब एक बेसिकली एक टिपिकल सी एस सी प्लेट कैसा है या फिर कुछ कैसा दिखता है, क्या क्या मार्किंग्स हैं, वही सब बोलता रहता है। ठीक है, दीज वर्ड्स कैन ऑल्सो बी एम्बोर्स्ड और सोन इन अदर वे सच एज इज परमानेंट। एम्बोर्स्ड मतलब बेसिकली वो होता है, अगर आपका जहाज पे देखे होंगे कि कोई भी फ्यूल ऑयल टैंक का एकदम लोहे के साथ ही लिखा रहता है या फिर जो सेफ्टी फर्स्ट लिखा रहता है वो सब एम्बोर्स्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यही बोला गया, द सी एस सी स्पेसिफाइज दैट द सेफ्टी अप्रूवल कैप्शन शैल बी इन बोल्ड कैरेक्टर्स ऑफ अ मिनिमम हाइट ऑफ 8 mm, ये कुछ स्टैंडर्ड्स है। ऑल अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेट शुड हैव अ मिनिमम हाइट ऑफ 5 mm। द अदर इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी शोन ऑन अ सी एस सी प्लेट एज फॉलोज। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सी एस सी प्लेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। क्लासिफिकेशन सोसाइटी रूल्स, किस रूल्स के हिसाब से ये सी एस सी बना, मतलब जो कन्वेंशन फॉलो किया गया है कंटेनर के ऊपर। कंटेनर मॉडल इसका जो ये है टाइप इधर आ गया। नाउ मैनुफैक्चरर सीरियल नंबर, ये सब आपका कंटेंट्स हो गया। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ सी एस सी,
सीएससी प्लेट बोल सकते हैं। तो ये सब आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, मैन्युफैक्चरर नेम इधर रहेगा, ओनर्स इधर उधर नहीं, अब चेंज भी हो सकता है लेकिन दिखेगा कुछ ऐसा ही, ओनर्स का नेम, मैन्युफैक्चरर्स का नेम, क्लासिफिकेशन सोसाइटी एंड अप्रूवल जो अभी मैं बात किया था, ACEP क्या होता है, इधर देखिए ACEP लिखा गया है, बाद में आप मिला लेंगे कि ACEP क्या होता है, क्यों दिया गया है। डेट, मैन्युफैक्चरर, कंटेनर नंबर, मैक्सिमम दैट इज द ग्रॉस मास, अलाउबल स्टैकिंग वेट एंड रैकिंग टेस्ट, ठीक है, और AECP नंबर। तो अभी हम लोग जानेंगे थोड़ा देर बाद ACEP और आपका PES क्या होता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर कंटेंट्स ऑफ अ CSE प्लेट और कुछ इस तरह दिखता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज ये पूछा जाता है बहुत बार, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंटेनर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, पहले मैं बोल देता हूँ कि कंटेनर इंस्पेक्शन मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अ कंटेनर इंस्पेक्शन मेथड दैट इफेक्टिवली इंश्योर्स, क्यों किया जाता है कि कंटेनर सेफ्टी एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट लाइज बिहाइंड इट, मतलब कंटेनर के पीछे क्या रहता, मतलब उसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स स्मगलिंग हो रहा है, तो ये हम लोगों को जानना चाहिए, और कंटेनर सेफ है कि नहीं वो भी जानना चाहिए। कंटेनर्स आर यूजली बिल्ट ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ द कंटेनर ओनर्स बाय द मैन्युफैक्चरर। All containers need to be built based on the ISO, जो आपका standard organization है, and CSE standards, जो आपका International Convention of the Safe for Containers, वो standards, at their base level to be eligible for international transport. तो ISO और CSE standard मिला के जो base level, जो आपका basic जो rules है international transport के लिए, वो बनाया जाता है। Any customization on the container is built over these basic standards. अभी आपको open-sided बनाना है या फिर ओपन टॉप बनाना है, तो वो सब ये स्टैंडर्ड्स के बाद ही आता है, ठीक है। वंस द कंटेनर इज इन फाइनल फॉर्म, इट हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ISO एंड गिव अप अ कंटेनर ID नंबर। तो आपको अभी कंटेनर नंबर मिलता है ISO स्टैंडर्ड फुलफिल करने के बाद। दिस नंबर नीड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द CSE प्लेट ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये मैं बोला क्यों आपका कंटेनर इंस्पेक्शन या फिर जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अभी हम लोग जानेंगे कि कंटेनर इंस्पेक्शन में क्या क्या इंस्पेक्ट होता है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन अ स्किल्ड इंस्पेक्टर मस्ट एसेंशियली लुक फॉर द फॉलोइंग फैक्टर, करोशन, कंडीशन ऑफ वेल्डिंग, कंडीशन ऑफ रिवेटिंग, मैकेनिकल डैमेज या फिर जो स्ट्रक्चरल डैमेज सच एज कॉर्नर का फिटिंग्स या फिर फॉर्कलिफ्ट होल्डिंग्स, फ्लोर रूप एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब कंटेनर इंस्पेक्शन पे क्या क्या कंटेनर पे चेक किया जाता है। अभी आते हैं हम लोग, What is PES and ACEP? तो दिस जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि what are the two types of inspection? ठीक है, तो PES and ACEP are those two types of inspection, ठीक है। ये वाला मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, What is PES and ACEP? Now, अभी हम देखते हैं PES and ACEP container inspection compare. These are the two types of inspection, ठीक है, जो मैंने एक क्वेश्चंस पे बताया था अभी, व्हाट आर द टू टाइप, जिसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन पे चला गया था कि इंस्पेक्शन हम लोग क्यों करते हैं। तो दीज आर द PES एंड ACEP आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ अ कंटेनर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर टू मेंटेन द कंटेनर इन गुड कंडीशन, ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटेनर का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर रहे, एंड अरेंज फॉर द कंटेनर टू बी इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये ओनर का जिम्मेदारी है कि आपका कंटेनर आप ही अरेंज करेंगे इसका इंस्पेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट्स आपको जानना है या फिर पोटेंशियल डेंजर्स, मतलब जो फ्यूचर डेंजर, सपोज आपका कुछ स्टैकिंग, आपका जो कुछ भी लैसिंग वैसिंग कुछ भी आपका डैमेज हो गया या फिर जो करोशन आ गया, तो उसका जो पोटेंशियल डेंजर या फिर जो कंसिक्वेंसेस हो सकता है उसके लिए एक पीरियडिक इंटरवल्स पे इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफर टू लेसी इफ द कंटेनर इज लीज्ड, मतलब जो अगर लीज पे गया है तो ओनर से वो लोग जो लीज पे लिया है उसके ऊपर ट्रांसफर या फिर जो हैंड ओवर किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट, दैट इज द पीरियडिक एग्जामिनेशन स्कीम PES एंड अप्रूव्ड कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन प्रोग्राम दैट इज ACEP। अभी आपको इस दोनों का पूरा नाम मालूम चल गया है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड इसका फुल फॉर्म। नाउ PES और ACEP में थोड़ा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज PES एंड ACEP और उसका इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर बेसिकली वीडियो है इसका इंस्पेक्शन के ऊपर ही है, ठीक है।
बोथ दीज इंस्पेक्शन आर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना दिन बाद इसका जो होगा, बाकी इसका इंस्पेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि अल्टीमेट आपको देखना है कंटेनर का डैमेज ही, ठीक है। तो विथ विच दे आर कैरिड आउट इफ द कंटेनर इज अंडर PES, दैट इज द पीरियडिक एग्जामिनेशन स्कीम, देन द फर्स्ट एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस 5 years आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग डेट। आपका कंटेनर का 5 साल जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसका 5 साल बाद आपका फर्स्ट PES डेट आएगा, एंड उसके बाद 5 साल बाद क्या होगा, एंड देन एवरी 30 months, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया आपका PES के लिए। लेकिन ACEP क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर इंस्पेक्शन एवरी 5 years, ये तो आपका होगा ही जो PES है, चेक्स ऑल्सो हैपन्स ड्यूरिंग अ मेजर रिपेयर। आपका जहाज में कुछ ठूक वूक गया कंटेनर, तो उसके बाद कुछ रिपेयर होगा या फिर रिफर्बिशमेंट, या फिर उसको जो कुछ अलग तरीके से आप तैयार किए दूसरे मेथड्स लगा के, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन लाए उसमें, और व्हेन द कंटेनर इज हायर्ड फॉर पर्पजेस, मतलब कुछ दूसरा थर्ड पार्टी को दिया गया है, हायर्ड किया गया है कुछ दूसरा पर्पज के लिए, बट द कंटेनर शुड नॉट गो विदाउट इंस्पेक्शन फॉर नॉट मोर देन 30 months, ठीक है। तो ACEP बोलता है बेसिकली ये क्या कब काम में आता है, जब मेजर रिपेयर मॉडिफिकेशन या फिर कंटेनर को किराए पे दिया गया है किसी को, उसके बाद एक मैंडेटरी चेक आता है ACEP के पास, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर दोनों ही अगर आप कंप्लाई कर देंगे तो मोर देन नॉट मोर देन 30 months एक्सेप्ट द 5 साल बाद, वो छोड़ के 30 months का इंस्पेक्शन कंटेनर नहीं मतलब सेल कर सकते हैं, ठीक है। 30 months का जो बेसिक ये है इंस्पेक्शन, वो शुड नॉट गो विदाउट इंस्पेक्शन, ठीक है। आपको मालूम चल गया अभी व्हाट इज ACEP एंड व्हाट इज PES और वो सब कैसे एक साथ जुड़ा है जो बेसिकली आपका CSC के साथ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा CSC चैप्टर खत्म। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।